आदिवासी समाज को भगवान राम की याद दिलवाने के लिए सरकार का संस्कृति विभाग आदिवासी क्षेत्र में रामलीला का आयोजन करने जा रहा है। आदिवासी क्षेत्र में होने वाली रामलीला को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने तंज कसा। उन्होंने कहा तथा कथित देशद्रोही लोग आदिवासी समाज के बीच दुष्प्रचार कर रहे हैं। रामलीला देश में हमेशा होती आई है, होती रहेगी। संस्कृति विभाग द्वारा रामलीला में अभिनय करने के लिए जनजाति समाज के बच्चों को चुना गया है। जनजाति समाज अनादिकाल से हिंदू है, भगवान राम के प्रति आस्था है। वहीं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस विधायक पांचीलाल मीणा ने कहा है कि राम सेतु निर्माण में राम भगवान के साथ कोई वानर सेना नहीं थी, वे सेतु बनाने वाले हमारे आदिवासी समाज के भाई थे। क्षेत्रों में ही रामलीला निरंतर इस देश में होती ही आई है और संस्कृति विभाग इसका आयोजन निरंतर करता ही आया है। इस बार जनजाति क्षेत्र के बच्चों को भी अभिनय के लिए इसमें चुना गया। इसमें जो लोग राजनीति कर्म कर रहे हैं ये हम सबको दिख रहा है और हमारा आदिवासी युवा जगत सभी युवा इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं संस्कृति विभाग से जो पैसा आ रहा है उसको कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला कर करके ये संस्कृति विभाग का पैसा कहीं ना कहीं उसको उसमें लगा करके हमारे भाइयों का पैसा विभाग का जो आदिवासी सरकार का पैसा है उसको उसमें डाइवर्ट करके लगा रहे हैं।